जीत के मैं ही जाऊंगी। उस दिन तो आपने वीडियो रुकवा दिया था, मेरे गले में अटक रहा था, इसलिए भाई गायत्री जी जीत गए। आज मैं हरा के जाऊंगी गायत्री जी से। उस बार भी हरा के गई थी, इस बार भी हरा के जाऊंगी। हरा के जाओगे फिर भी? हेलो, उस दिन हमारे को रुकवा दिया गया था, नहीं तो मैं जीत जाती। कमेंट पर तो रुकवाने का, आज भी नहीं जीत के जाओगे, समझ गए? देख लो भाई, आप क्यों रुके? मेरा गला अटक गया था इसलिए मैं रुक गया। एक मिनट भाई, गायत्री जी देख लो काफी खुदने को लग रही है आज जी पूरा। तो इधर आपको क्या लगता है, आपका नाम क्या है पहले? प्रीति जी। तो आज क्या लगता है, जीत पाओगे? जीत पाओगे, आज जीत के जाऊंगी। 1.5 साल बाद आई और निर्वाल जी को पक्का हरा के। पक्का जाओगे हरा के? अरे इनकी तो बात दूर है, पर ये देखो ये भी काफी खतरनाक है। आपका वीडियो कंटिन्यू देखती हूँ। बिल्कुल भाई, तो आज देखते हैं तीनों में से कौन सबसे पहले खाता है और ये पूरे 1500 रुपए कैश और यहाँ पे 20 किलो आटा लेके जाता है पूरा भाई। तो ये बताओ आप दोनों में से पहले कौन आ रहा है? फिर मैं। आप दोनों आओगे पहले? चलो भाई, पहले आप दोनों यहाँ से चले जाए, फिर यहाँ पे फिर आएंगे निर्मला जी यहाँ पे। भाई साहब तो रेडी आप दोनों फिर? तो गायत्री क्या कितने में खाने वाले हो? उधर आपको क्या लगता है न्यू चैलेंजर? एक मिनट से पहले भाई साहब, पहली बार है जो काफी जोर दिखा रही है। रेडी, 3-2-1 स्टार्ट। और यहाँ पे हो चुका है दोनों खतरनाक चैलेंजरों का टाइम स्टार्ट। तो देखते हैं आज भाई साहब आ चुके हैं निर्मला जी बगल में यहाँ पे, और काफी भाई साहब जीतते गए थी गायत्री जी। तो देखते हैं आज भाई साहब कौन जीतता है तीनों में से और ये पूरे 1500 रुपए कैश और यहाँ पे 20 किलो आटा लेके जाता है भाई। और ये क्या है, सिर्फ 14 सेकंड हुआ है अभी, और 14 सेकंड में बात की जाए तो गायत्री जी काफी स्पीड लगा चुकी है, पर यहाँ पे बात की जाए 1.5 साल बाद आई है भाई प्रीति जी ये। तो आज देखते हैं क्या करके जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे निर्मला जी है भाई। निर्मला जी को हराना भाई किसी के बस की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गायत्री जी जीत के गई है। और प्रीति जी क्या कर रहे हो, स्पीड लगाओ प्रीति जी, स्पीड भाई साहब। 30 सेकंड हो गया प्रीति जी का यहाँ पे, और गायत्री जी की बात की जाए तो इनका टाइम और भाई साहब सिर्फ 35 सेकंड हुआ है भी। और गायत्री जी ये क्या कर रहे हो भाई, काफी स्पीड लगा चुकी है यार ये तो। ये तो निर्मला जी लगता है कि आज भी गए आप चैलेंज में, क्योंकि दोनों ही काफी स्पीड लगा रखे हैं यहाँ पे। प्रीति जी को देखे भाई साहब, 46 सेकंड हुआ प्रीति जी का भी, और प्रीति जी काफी स्पीड लगा रही है भाई। और गायत्री जी देखते हैं टक्कर दे पाते हैं कि नहीं। और भाई पिछले वाले वीडियो में आप लोग का कमेंट आया था भाई कि गायत्री जी नहीं जीती है, संजू जीती यहाँ पे, तो उसका भी अभी फाइनल मैच होने वाला है यहाँ पे भाई। और ये क्या है, सिर्फ अभी 1 मिनट हुआ है अभी, और 1 मिनट के अंदर बात किया तो गायत्री जी काफी स्पीड लगा चुके हैं ये। तो निर्मला जी आपको काफी खतरनाक टारगेट आने वाला है, आज देख लेना फिर। हो सकता है, कोई बात नहीं, आज तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है। पर गायत्री जी आराम से, थोड़ा आराम से करिए, आराम से। क्या कर रहे हो ये, अभी टाइमर सिर्फ 1 मिनट 16 सेकंड हुआ है, और 1 मिनट 16 सेकंड के अंदर पूरी थाली साहब। और प्रीति जी आप क्या करो, स्पीड लगाओ जल्दी से, क्योंकि भाई 1.5 साल बाद आई है तो लगता है एक्सपीरियंस नहीं है भाई उतना भी। अगर ये डेली आएंगे तो पक्का एक्सपीरियंस बन जाएगा यहाँ पे। और अब गायत्री जैसी मुंह खोल के दिखाई, ये क्या है, 29 सेकंड भाई। तो गायत्री जी ने यहाँ पे टारगेट दिया 29 सेकंड का यहाँ पे। तो निर्मला जी आपको टाइमर दिया है, गायत्री जी ने 1 मिनट 29 सेकंड। तो क्या लगता है फिर, अब मैं 1 मिनट से पहले खा के दिखाऊंगी? स्किप करना चाहती हूँ। चलो आप स्किप कर दीजिए भाई। गायत्री जी क्या लगता है फिर, इनसे निर्मला जी फिनिश हो पाएगा कि नहीं यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत पनीर कुछ ज्यादा ही रखा हुआ है। अच्छा, पनीर कुछ ज्यादा। तो निर्मला जी आपको क्या लगता है फिर, जीत के मैं ही जाऊंगी? उस दिन तो आपने वीडियो रुकवा दिया था, मेरे गले में अटक रहा था, इसलिए। बिल्कुल भाई, गायत्री जी जीत गए, आज मैं हरा के जाऊंगी गायत्री जी से। तो पक्का हरा के जाओगे? तो गायत्री देख लो काफी खुंदक में लग रही है ये। चलो भाई, तो देखते हैं रिमा जी रेडी हो फिर? रेडी हो तो करते स्टार्ट फिर। तो ये लो फिर, 3-2-1 स्टार्ट। और ये हो चुका है निर्मला जी का टाइम स्टार्ट, और निर्मला जी काफी दिन बाद आई है भाई चैलेंज में यहाँ पे। तो देखते हैं क्या करके जाने वाली है ये, और इनका टाइमर हो चुका है 8 सेकंड, और 8 सेकंड में बात किया तो आधी ताली पूरी हो चुकी है फिनिश, क्योंकि भाई साहब इनको गायत्री जी से बदला लेना है भाई, क्योंकि गायत्री जी लगातार जीत रही है वीडियो में, 5-6 वीडियो में। और आज देखते हैं गायत्री जी के पास जाता है नाम ये या निर्मला जी के पास भाई, क्योंकि यहाँ पे रख दिया पूरे 1500 रुपए कैश और भाई 20 किलो आटा भाई यहाँ पे। और ये क्या है, ये क्या है, सिर्फ सेकंडों में बात हो रही है अभी, और सेकंड में भाई साहब निर्मला जी पूरी तबाही लगा चुकी है यहाँ पे। ये क्या कह रहे हो प्रीति जी आप, बाल साइड? अच्छा, बाल साइड करने के लिए कह रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए भाई अपने पे ही, क्योंकि ये बाल वाल बिल्कुल भी नहीं देखती भाई, सीधा खाने फोकस रहता है इनका। और टाइमर सिर्फ हुआ 37 सेकंड, माय गॉड। निर्मला जी आप देख लो, आज पूरा दामोदर आप पे टिका हुआ है, क्योंकि काफी ऑडियंस कह रही थी भाई निर्मला जी कुछ दिन से जीत नहीं रही है भाई। और आज देखते हैं क्या करके जाने वाली निर्मला जी। तो गायत्री जी क्या लगता है फिर, इनाम आपके पास आएगा, इनके पास आएगा? गायत्री जी ये लो भाई, इनकी मन ही मन मुस्कुरा रही है भाई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि निर्मला जी है भाई साहब ये, इनके आगे कोई भी आ जाए कुछ भी हो सकता है भाई। और ये क्या है, सिर्फ टाइमर हो चुका है 1 मिनट इनका, और 1 मिनट 2 सेकंड हो चुका है, और कुछ ही सेकंड रह चुका है भाई निर्मला जी के पास टाइमर यहाँ पे। तो देखते हैं निर्मला जी खाली यहाँ जाती है पूरे 1500 रुपए कैश और यहाँ 20 किलो आटा लेके जाती है भाई। तो निर्मला जी जल्दी करो, जल्दी स्पीड लगाओ, स्पीड आप करने ही वाले हो, क्योंकि आपका टाइमर नजदीक आ चुका है भाई काफी यहाँ पे। 1 मिनट 18 सेकंड हो चुका है, गायत्री ने दिया था 1 मिनट 29 सेकंड यहाँ पे भाई, और ये हो चुका है 21 सेकंड 22 सेकंड। जल्दी, बहुत बढ़िया भाई, पूरी सफाई से खाए हैं निर्मला जी यहाँ पे। तो निर्मला जी कुछ कहना चाहते हो हमारी ऑडियंस को? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिन बाद जीते हो आप चैलेंज में। मैं उस दिन भी जीत जाती, मगर भैया ने बोला था वीडियो रोक दो। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने रुक गई थी। ये बात तो है भाई। तो निर्मला जी आज भाई साहब ने पूरा बदला ले लिया, मतलब है मैं बदला ले ली। बिल्कुल भाई, तो उठाइए पूरे
1500 रुपए कैश और गायत्री जी याद तो गया भाई आपके यहाँ से ही नाम पूरा। कोई बात नहीं एकदम ही भाई गायत्री चुप हो रखी है यहाँ पर। जाइए निर्मला जी पहले हाथ धो के आइए आप यहाँ पे। जो निर्मला जी हाथ धो के आज उठाइए पूरा इनाम भाई यहाँ पे उठाइए पूरा। और ये जीत चुकी है भाई पूरे 1500 रुपए कैश और यहाँ पे 20 किलो आटा। तो निर्मला जी बताइए हमारी ऑडियंस को आप लोग को इनाम लेके कैसा लग रहा है फिर, और काफी दिन बाद जीते भाई साहब चैलेंज में आप। ये ऑडियंस मुझे जीत के बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे जितने भाई बहन देख रहे हैं मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए तो मैं आपके वजह से हमेशा जीत के जाऊं। ये बात तो सच है। तो गायत्री जी आप कैसे हार गए आज भाई? टारगेट तो बहुत अच्छा दिया था लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार फिर मुझे निर्मला जी के साथ फिर सुतारे आपके साथ अगली बार पक्का मैं इनको हरा के जाऊं। निर्मला जी उस दिन भी मैं वीडियो रुकवा दिया था इसलिए मैं हार गया। अच्छा ये लो भाई निर्मला जी कह रही है भाई गायत्री जी आप इनसे कभी भी नहीं जीत पाओगे भाई देख लो फिर। चलो भाई दोबारा इनका होगा मैच अभी। ऑडियंस जितना हो सके भाई निर्मला जी कमेंट करिए भाई क्योंकि यहाँ पे निर्मला जी अपना पुराना वाला फिर अंदाज लेके आ चुके हैं यहाँ पे। और इधर बात करते हैं तो आप कैसे हार गए क्योंकि काफी दिन बाद आए थे क्या आप? हाँ मैं बहुत दिन बाद आए थे इसी के लिए हार गए, नेक्स्ट टाइम जीत के जाऊंगी। तो पक्का जाओगे जीत के? ये चलो भाई ऑडियंस बताना आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको जो चैलेंज अच्छा लगे कमेंट करके बताना भाई। अगर निर्मला जी का चैलेंज अच्छा लगा तो यहाँ पे एन लिखना और गायत्री जी का भाई हमें जी लिखना और यहाँ प्रीति जी भाई काफी दिन बाद आए तो पी लिखना भाई और अगर पेज पर प्लीज फॉलो कर देना भाई। बाय बाय।